यूपी सिटी न्यूज। क्या आप जानते हैं अलीगढ़ का पुराना नाम क्या था? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अलीगढ़ का नाम 18वीं शताब्दी में पड़ा। इससे पहले इसे कोल के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक बड़ा जंगल और कोल का जबरदस्त किला था। अलीगढ़ ने शासकों के कई दौर देखे और हर दौर में शासकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। कभी यहाँ पर बौद्ध निर्माण बहुतायत में थे। 1194 में ये मुस्लिम शासकों के कब्जे में चला गया। 1875 में यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अलीगढ़ नाम कैसे पड़ा? 18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ को कोल या कोइल के नाम से जाना जाता था। कुछ प्राचीन ग्रंथों में कोल को एक जनजाति या जाति किसी स्थान या पर्वत का नाम माना जाता है। एडविन टी एटकिंसन के मुताबिक कोल नाम बाला रामा द्वारा शहर को दिया गया था। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से कोइल के किले तक मार्च किया, जो उस दौर के कुछ सबसे मजबूत किलों में गिना जाता है। कुतुबुद्दीन ने हिस्मुद्दीन को कोइल का पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया। इब्राहिम लोधी के समय उमर का बेटा मोहम्मद कोल का गवर्नर था। उसने कोल में किला बनाया और 1524 से 1525 में मोहम्मद गढ़ के नाम पर शहर का नाम रखा। मुगल दौर में फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के समय यहाँ के गवर्नर साबित खान ने पुराने लोधी किले का पुनर्निर्माण किया और अपने नाम पर उसका नाम साबितगढ़ रखा। जयपुर के जयसिंह से संरक्षण के साथ 1753 में जाट शासक सूरजमल और मुस्लिम सेना ने कोइल के किले पर कब्जा कर लिया। जब शिया कमांडर नजफ खान ने कोइल पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने इसे अलीगढ़ का वर्तमान नाम दिया। अलीगढ़ किला फ्रांसीसी इंजीनियरों द्वारा फ्रांसीसी अधिकारियों बेनोइट डी बोइग्ने और पेरोन के निर्देश पर बनाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह मूल रूप से सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। रुचि के स्थान। खेरेश्वर मंदिर। खेरेश्वर मंदिर ताजपुर रसूलपुर गाँव में स्थित है। यह इस इलाके के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है। उसकी छत धातु से निर्मित है। ये मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। शिवलिंगम के रूप में भगवान शिव के अलावा मंदिर में अन्य हिंदू देवताओं के कई पीतल की मूर्तियां हैं। मंदिर के आसपास एक छोटा सा तालाब और सुंदर क्षेत्र है। भगवान शिव का मंदिर खैर बाईपास सड़क पर स्थित है, जो राजमार्ग 22 ए और राष्ट्रीय राजमार्ग 91 को जोड़ता है। शहर के केंद्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर तक सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न तरीकों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। अलीगढ़ किला। अलीगढ़ किला, जिसे अलीगढ़ किला, बोनासौर किला या रामगढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है, यह जिले के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह किला इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान 1525 में राज्यपाल उमर के बेटे मोहम्मद ने बनवाया था। यह एक पहाड़ी पर स्थित है। नकवी पार्क। यह आकर्षक पार्क चौड़े हरे रंग के विस्तार खेल के मैदानों और पैदल मार्गों के लिए प्रसिद्ध है। हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस हेल्पलाइन 100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वुमेन हेल्पलाइन 1091। यहाँ के कॉलेज और विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिविल लाइन अलीगढ़। धर्म समाज कॉलेज निकट अचल ताल अलीगढ़। मंगलायतन यूनिवर्सिटी बेसवा अलीगढ़। श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय रामघाट रोड अलीगढ़। श्री वार्ष्णेय कॉलेज निकट रामलीला मैदान अलीगढ़। अलीगढ़ कैसे पहुंचे? अलीगढ़ दिल्ली से लगभग 140 किलोमीटर दूर है और दिल्ली नियमित हवाई उड़ानों के माध्यम से देश और दुनिया के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी फ्लाइट द्वारा। निकटतम हवाई अड्डा नई दिल्ली। ट्रेन से आप आसानी से देश के किसी भी हिस्से से अलीगढ़ पहुंच सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अलीगढ़ के लिए अच्छी खासी संख्या में ट्रेनें उपलब्ध हैं। बस से देश के अन्य शहरों से अलीगढ़ तक के लिए नियमित बस की सेवाएं भी हैं। यहाँ के व्यापार और शिक्षा। अलीगढ़ दो वजहों से आजकल ज्यादा चर्चा में रहता है। यहाँ पर लॉक इंडस्ट्री काफी बड़ी है और यहाँ पढ़ाई के लिए देश भर से बच्चे आते हैं। अलीगढ़ पर दी गई हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें जरूर बताएं। ऐसे और भी जानकारी से भरे वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। अब आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया। यूपी सिटी न्यूज़, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।